इन बच्चों कैसे हैं आप लोग। बच्चों आज आपके लेके आए हैं कॉमन टर्म्स फॉर रिएक्शन। जब आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहाँ पर कुछ चीज़ें आती हैं रिएक्शंस में जो आपको परेशान करती हैं, जैसे स्टीरियो स्पेसिफिक, स्टीरियो सेलेक्टिव, रेजियो सेलेक्टिव, कीमो सेलेक्टिव। तो ये जो टर्म्स बार बार आपको परेशान करती हैं आज उन्हीं को हम लोग क्लियर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला रहेगा रेजियो सेलेक्टिव रिएक्शंस। तो आइए जानते हैं क्या होता है रेजियो सेलेक्टिविटी। Such reactions favor bond formation only in one direction when two possible sites are available. Example is Markovnikov's rule. बच्चों रेजियो सेलेक्टिव रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जहां पर दो रिएक्टिव साइट होते हुए भी एक रिएक्टिव साइट पर रिएक्शन इजीली जाती है, या ये कहें कि जहां पर दो एक्टिव कार्बन होते हैं उनमें से केवल एक पर ही रिएक्शन ज़्यादा जाएगी, एक पे कम जाएगी। इसको आप और ज़्यादा सिंप्लीफाई करना चाहें तो ऐसे बोल सकते हैं कि रेजियो सेलेक्टिव वो रिएक्शन होती है जो केवल एक ही डायरेक्शन में प्रोसीड करती हैं ज़्यादा और दूसरी डायरेक्शन में प्रोसीड करती हैं कम। और ये समझेंगे एग्जांपल से हम। अब देखिए यहाँ पर ये हमारा एक अनसेचुरेट कंपाउंड है, आप देख पा रहे हैं मार्कोनिकोव्स में HBr का एडिशन होगा। तो HBr का एडिशन जो होता है वो दो कार्बन पर हो सकता है, एक कार्बन यहाँ पर है और एक कार्बन ये है। तो दो रिएक्टिव साइट या दो एक्टिव कार्बन है, लेकिन HBr का जो एडिशन होता है वो ज़्यादा होता है केवल इस वाले कार्बन पे, और इस वाले कार्बन पे Br का एडिशन कम होगा। तो प्रोडक्ट कुछ दो ऐसे बनेंगे, आप जानते हैं ये मेजर प्रोडक्ट होगा और ये माइनर प्रोडक्ट होगा। ये रिएक्शन कहलाती है रेजियो सेलेक्टिव और प्रॉपर्टी कहलाती है रेजियो सेलेक्टिविटी। और एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे हमने दूसरा एल्कीन लिया हुआ है, इसको ब्यूट टू इन बोलते हैं, HBr का एडिशन हो रहा है। तो बच्चों यहाँ पर ये दो रिएक्टिव साइट हैं और दोनों रिएक्टिव साइट में से आप किसी पर भी देखिए एडिशन करते हैं HBr का, तो प्रोडक्ट केवल आपको 2-bromobutane ही मिलेगा, आप करके देख सकते हैं। तो ये रिएक्शन जो है रेजियो सेलेक्टिव नहीं होगी क्योंकि इसके अंदर केवल एक ही प्रोडक्ट बन रहा है आफ्टर द एडिशन। अभी थर्ड एग्जांपल लेते हैं, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे दो रिएक्टिव साइट है, दो रिएक्टिव कार्बन है, ये वाला और ये वाला। तो HBr का एडिशन इस पे भी होगा, इस पे भी होगा, लेकिन रेजियो सेलेक्टिविटी होने के कारण यहाँ पे केवल इस वाले कार्बन पे Br का एडिशन ज्यादा होगा, इस वाले कार्बन पे कम होगा। 2-bromopropane मेजर होगा और 1-bromopropane जो है वो माइनर होगा। तो रेजियो सेलेक्टिव रिएक्शन जो है इट इज मोर कॉमन इन एडिशन रिएक्शन, और स्पेशली जब मार्कोनिकोव रिएक्शन की बात करें तो रेजियो सेलेक्टिविटी ही इसमें मोर कॉमन रीजन होता है मेजर प्रोडक्ट बनने के लिए। सेकंड इज कीमो सेलेक्टिव रिएक्शन, व्हेन रिएक्शन गोज ऑन वन फंक्शनल ग्रुप अमंग द अदर्स। ये कंडीशन आपको तब देखने को मिलती है जब आपके सबस्ट्रेट या स्टार्टिंग मटेरियल में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होते हैं और रिएक्शन केवल एक ही फंक्शनल ग्रुप पे होती है, एक ही फंक्शनल ग्रुप पे चेंज होता है, बाकी किसी पे चेंज नहीं होता है। तो ये प्रॉपर्टी या फिनोमेना जो होता है कीमो सेलेक्टिविटी कहलाती है और ये रिएक्शन हो जाती है कीमो सेलेक्टिव रिएक्शन। एग्जाम्पल के साथ क्लियर करेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमारे इस सबस्ट्रेट में दो फंक्शनल ग्रुप है, कीटो और एस्टर। तो हमने पहली कंडीशन जो लगाई है उसमें सोडियम बोरोहाइड्राइड लिया हुआ है और दूसरी कंडीशन में हमने लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लिया हुआ है। NaBH4 जो होता है ये माइल्डर रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो ये केवल कीटोन को ही रिड्यूस कर पाएगा, एस्टर को नहीं। तो कीटोन रिड्यूस होकर एल्कोहलिक में कन्वर्ट हो जाएगा और एस्टर एस सच बचा रहेगा। तो आपने देखा इस सबस्ट्रेट में दो फंक्शनल थे लेकिन रिएक्शन केवल एक पे हुई है, तो ऐसी रिएक्शन कहलाती है कीमो सेलेक्टिव और प्रॉपर्टी होगी कीमो सेलेक्टिविटी। अब दूसरी रिएक्शन की बात करें कि क्या ये कीमो सेलेक्टिविटी शो करेगा, तो आप देखिए यहाँ पर दोनों के दोनों फंक्शनल ग्रुप जो हैं वो रिड्यूस हो गए हैं, चेंज हो गए हैं। तो ये रिएक्शन जो है कीमो सेलेक्टिविटी का एग्जाम्पल नहीं हो सकती है क्योंकि यहाँ पर केवल एक ही फंक्शनल ग्रुप में चेंज होना चाहिए था जो नहीं हो पाया है। तो ऊपर वाली जो रिएक्शन है ये कीमो सेलेक्टिविटी शो कर रही है, नीचे वाली नहीं। अब नेक्स्ट लेते हैं स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ वन सब्सटेंस अंडर सेम कंडीशन गिव डिफरेंट प्रोडक्ट्स। यहाँ पर आप कोई भी सब्सटेंस लेंगे, अगर उसके दो स्टीरियो आइसोमर हैं और अगर उन दोनों स्टीरियो आइसोमर पे आप सेम कंडीशन लगाते हैं तो दोनों स्टीरियो आइसोमर आपको अलग अलग प्रोडक्ट देते हैं, तो ये रिएक्शन कहलाती है स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। एग्जाम्पल देखते हैं आइए।
तो यहाँ पर हमने बच्चों 2-iodobutene के 2 stereoisomer लिए हुए हैं। एक R फॉर्म है हमारा आप देख रहे हैं और दूसरा हमारा S फॉर्म है। ये दोनों stereoisomer को हमने सेम कंडीशन में ट्रीट किया है, सेम कंडीशन लगाया है दोनों पे, तो NUH के साथ ट्रीट कर रहे हैं। SN2 रिएक्शन होगी दोनों में, R फॉर्म जो रहेगी 2-iodobutene का वो कन्वर्ट हो जाएगी S फॉर्म ऑफ एल्कोहल में, और जो S फॉर्म रहेगी 2-iodobutene की वो कन्वर्ट हो जाएगी R फॉर्म ऑफ ब्यूटेन 2-ol। तो यहाँ पे S फॉर्म बना और यहाँ पे R फॉर्म बना एल्कोहल का। आप देख पा रहे हैं कि इन दोनों रिएक्शंस के अंदर आपने 2-iodobutene के 2 अलग-अलग स्टीरियोआइसोमर लिए और दोनों को सेम कंडीशन पे ट्रीट करने पर आपको दोनों में अलग-अलग प्रोडक्ट दिखाई पड़ते हैं, तो ये रिएक्शन कहलाती है स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। अगला है बच्चों स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन वन स्टीरियो आइसोमेरिक प्रोडक्ट प्रीडोमिनेंट्स ओवर द फॉर्मेशन ऑफ अदर, एग्जांपल इज मोर कॉमन हाइड्रोबोरेशन। स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शंस में हमेशा ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनते हैं वो स्टीरियो आइसोमर होते हैं और इन स्टीरियो आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स में से एक स्टीरियो आइसोमर मेजर होगा जबकि दूसरे वाला माइनर होगा। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन जो होती हैं वो दो तरह की होती हैं, एक होती है एनएनसीओ सिलेक्टिव और दूसरी होती है डायस्टीरियो सिलेक्टिव। तो पहले देखते हैं एनएनसीओ सिलेक्टिव रिएक्शन। इन एनएनसीओ सिलेक्टिव रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ वन एनएनसीओमर प्रीडोमिनेंट्स ओवर द अदर। अगर आपके एनएनसीओमेरिक प्रोडक्ट्स में से एक एनएनसीओमर जो है वो मेजर है और दूसरा अगर माइनर है तो ये रिएक्शन कहलाएगी एनएनसीओ सिलेक्टिव रिएक्शन। एग्जाम्पल में हम लोगों ने पायरुविक एसिड लिया है, पायरुविक एसिड का हम लोग हाइड्रोजिनेशन कर रहे हैं लैक्टिक एसिड डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में, हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड हुआ और ये हमारा बन गया है प्रोडक्ट्स। ये दोनों प्रोडक्ट्स जो हैं दीज आर एनएनसीओमर्स और इन एनएनसीओमर प्रोडक्ट्स में से एस फॉर्म जो आप देख रहे हैं, एस फॉर्म वाला जो एनएनसीओमर है ये मेजर है जबकि दूसरे वाला आर फॉर्म वाला जो एनएनसीओमर है वो माइनर है। तो इस रिएक्शन के अंदर एक एनएनसीओमर मेजर बना है जबकि दूसरे वाला माइनर है, तो ये रिएक्शन कहलाएगी एनएनसीओ सिलेक्टिव रिएक्शन। अब लेते हैं स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन का दूसरा पार्ट जिसका नाम है डायस्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन। रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ वन डायस्टीरियोमर डोमिनेट्स ओवर द अदर। बच्चों आपको ध्यान रखना है कि ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर दो डायस्टीरियोमर प्रोडक्ट्स बनते हों और उन डायस्टीरियोमर में से एक डायस्टीरियोमर जो है वो मेजर रहे और दूसरे वाला माइनर रहे, तो ये रिएक्शन एग्जाम्पल होगा डायस्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन का और फिनोमेना कहलाएगा डायस्टीरियो सिलेक्टिविटी। एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं हम, आइए हमारे साथ। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे एग्जांपल में ब्यूटुआइन स्टार्टिंग मटेरियल सब्सट्रेट लिया हुआ है और इसके ऊपर हम लोग दो कंडीशन पैरेलल अप्लाई करते हैं। पहली कंडीशन में हम लोग लिंडलार रिएजेंट यूज़ करेंगे और दूसरे वाले में बिर्च करेंगे। लिंडलार रिएजेंट जो होता है आप जानते हैं, हाइड्रोजन गैस को जब पैलेडियम की प्रेजेंस में पास करते हैं तो ये मिक्सचर कहलाता है लिंडलार रिएजेंट, और लिंडलार रिएजेंट जो होता है वो किसी भी एल्काइन को एल्कीन में कन्वर्ट करता है। दो डायस्टीरियोमर हमको यहाँ पर मिलेंगे, एक होगा हमारा सिस डायस्टीरियोमर और दूसरा होगा हमारा ट्रांस डायस्टीरियोमर। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे दोनों डायस्टीरियोमर में से एक डायस्टीरियोमर जो सिस वाला है वो मेजर है जबकि दूसरे वाला डायस्टीरियोमर जो ट्रांस फॉर्म है वो माइनर है, तो ये रिएक्शन कौन सी हुई बच्चों, डायस्टीरियो सेलेक्टिव। अब बात करते हैं दूसरी कंडीशन की, बेस रिडक्शन की। आप देख पा रहे हैं कि सोडियम मेटल को अमोनिया के साथ मिक्सचर लेते हैं और यहाँ पे हमारा जो एल्काइन है वो कन्वर्ट हो जाता है दो डायस्टीरियोमर में, सिस डायस्टीरियोमर और हमारा ट्रांस डायस्टीरियोमर। इन दोनों डायस्टीरियोमेरिक प्रोडक्ट में से हमारा जो ट्रांस डायस्टीरियोमर है ये मेजर होता है जबकि सिस वाला हमेशा माइनर रहेगा, इसीलिए ये रिएक्शन कहलाती है डायस्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन। थर्ड एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि जो हमारा सबस्ट्रेट है उसका हम लोग यहाँ पर मेटल की प्रेजेंस में हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं और हाइड्रोजनेशन के बाद आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपको दो डायस्टीरियोमेरिक प्रोडक्ट मिलेंगे, एक सिस फॉर्म रहेगी और दूसरी ट्रांस फॉर्म रहेगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे परसेंटेज मेंशन किया हुआ है, तो सिस वाला जो डायस्टीरियोमर है वो मेजर है, ट्रांस वाला जो है वो माइनर है, तो ये रिएक्शन हमारा एग्जाम्पल होगा डायस्टीरियो सेलेक्टिव का और इस रिएक्शन का ये प्रॉपर्टी कहलाएगा डायस्टीरियो सेलेक्टिविटी। तो उम्मीद है बच्चों जितना हमने आज डिस्कस किया है ये आपको क्लियर हुआ होगा और फ्यूचर में कभी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको फिर भी कुछ लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमको भेज सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और हाँ, अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाएं ताकि आपके लिए ऐसे बेहतर वीडियो हम लाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।